ओके हाय फ्रेंड्स, मैं दिग्गज सिंह चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल रनिंग फिटनेस क्लब नीमच में आप सभी का स्वागत करता हूं। 17 फरवरी 2022 जो मध्य प्रदेश पुलिस की परीक्षा हो चुकी हैं और बच्चे कुछ ही समय में इंग्लैंड शिफ्ट के कुछ ही समय में बाहर आने वाले हैं और उनसे लाइव व्यू लेते हैं मैथ्स, रीजनिंग, जीके और जीएस और करंट अफेयर्स से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सब की संपूर्ण जानकारी बच्चों द्वारा लाइव लेंगे और किस क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं मैथ्स में क्या कैलकुलेटिव मैथमेटिक्स आ गया या ट्रिकी मैथमेटिक्स था और रीजनिंग में कोई नया चैप्टर इंक्लूड हुआ है। आज लास्ट दिन है एग्ज़ाम का और देखा जाए तो आज 8 जनवरी से लगाकर 17 फरवरी तक का जितने बच्चों के अच्छे नंबर आए वो फिजिकल तैयारी कर सकते हैं और रनिंग फिटनेस क्लब नीमच ज्वाइन कर सकते हैं और फिजिकल आप फटाफट स्टार्ट कर दीजिए और कुछ ही क्षण में बच्चे बाहर आने वाले हैं, थोड़ा लेट हो रहे हैं बच्चे धीरे धीरे देख लेते हैं कि हाँ यार क्या रहता है। लाइव चल रहा अभी तो आप जितने बच्चे हो रनिंग फिटनेस क्लब नीमच ज्वाइन कर सकते हो बॉयज़ और गर्ल्स। मैं घर आके मिल लूँ अभी यहाँ है ना। नहीं नहीं वहाँ पानी पिला दो, अच्छा लग रहा मुँह में। बिल्कुल थैंक यू। हाँ थोड़ा मुँह में क्या छाला हो रहा ना तो उसकी वजह से थोड़ा बोला नहीं जाएगा। देखा जाए तो आज का पेपर भी अच्छा था सुबह वाला और अभी इवनिंग वाले देखो कौन मिलता है आज का भोकाल सिंह और सैनी कौन मिलता है, किसके हाईएस्ट नंबर आते हैं और एक दो मिनट में बच्चे बाहर आएंगे और जो भी बच्चे जिनके कम नंबर आए हैं वापस आप तैयारी करते रहिए, साथ के साथ तैयारी करते रहोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। साथ के साथ तैयारी करते रहिए आपके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि अभी 2022 में लास्ट तक MPSI पटवारी और वर्ग ग्रुप 2, सब ग्रुप 4, सब ग्रुप 3, सब ग्रुप 2 में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं तो लगातार तैयारी करते रहिए और अपने आप को अपडेट करते रहिए। अब PAB ने अपना लेवल बढ़ा चुके हैं, UPSC और SSC वगैरह को फॉलो करने लगी, बैंकिंग को भी फॉलो करने लगी PAB, तो अब तो टीचर लोगों को भी अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। कोई प्रथम द्वितीय कुछ नहीं आ रहा है, अब लेवल ही बहुत अलग अलग जी के अलग अलग प्रकार से पूछा जा रहा है और आज का अंतिम क्षण है। वापस यही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से यही गुजारिश रहेगी, दरख्वास्त है उनसे कि फिर से वापस MP पुलिस की एग्ज़ाम निकाले और जो भी बेरोजगार युवा हैं उनके भविष्य के लिए सोचे थोड़ी देर के लिए। पेपर दिन लाए आए कहाँ से? अच्छा नीमच से। आपकी गुड़िया का पेपर है? अच्छा लाइव ले लेंगे रिव्यू देख लेते हैं, आज थोड़ा समय लग रहा है और थोड़ा सा उधर ले लो गेट की तरफ, वहाँ से बच्चे आएंगे, उधर दिखा दो आप, हाँ उस साइड में दिखा दो। आज थोड़ा लंबा वीडियो बनेगा और क्योंकि आप जितने बच्चे हो जिनके कम नंबर आए हैं वो पढ़ाई करते रहिए और शादियाँ वगैरह में जाना बंद कर दीजिए, अपने आप में देखिए 6 महीने में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अपने आप को समय दोगे तो अपने आप को जितना हो सके उतना समय दो और अपने बारे में सोचिए। अभी छात्र लोग अपने बारे में सोचोगे तो कल आप अच्छी रैंक पर कॉन्स्टेबल बन सकते हो, पटवारी बन सकते हो, SI बन सकते हो और मैथ्स का मैथ्स पढ़ो आप, ठीक है सिस्टम से पढ़ो, किसी टीचर के अंडर में रह के पढ़ो। YouTube पे बहुत सारी क्लासेज हैं, ऑफलाइन क्लासेज हैं, बहुत सारी कोचिंग है आपके आपके ज़िले में, मध्य प्रदेश के सब जिले के लड़के कॉन्टेक्ट में है अपने YouTube चैनल रनिंग फिटनेस क्लब नीमच। इधर ले लो भैया और आप जो भी राजस्थान से हो महाराष्ट्र से हो लड़के कॉन्टेक्ट में YouTube चैनल पर सब लाइव आते जाइए और अपने आपके नंबर में शाम को 7 बजे में लाइव आऊँगा आपके सामने, 3 घंटा लाइव रहूँगा, 6 से 7, 8, 9, 10 तक हो सकता है। आप जितने भी हो अपने नंबर, कौन सी शिफ्ट में एग्ज़ाम थी और कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो आप सब फटाफट मैसेज करना मुझे, लाइव मैसेज चैट करना, मैं आपका रिप्लाई देता जाऊँगा और जितने ज़्यादा बच्चे जुड़ते जाएंगे उतना अच्छा रहेगा। और फिर आज का ही है बस, उसके बाद मैं सुपर चैट स्टार्ट कर दूँगा, उसमें आपको पे करके अपना डाउट पूछना रहेगा, ठीक है। तो आज मैं बस ओनली फॉर आज के लिए फ्री सेशन रख रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं सुपर चैट स्टार्ट कर दूंगा, उसमें आपको पे करके आपका डाउट पूछने रहेंगे बस। तो आज जितने बच्चे हो आने बच्चे आ गए हैं उधर ले लो,
देखो गेट से बाहर निकल के आ रहे बच्चे, और देखते हैं आज का भोकाल सिंह सैनी कौन निकल के आती है और कौन कैवेलियर बन कर आता है बाहर। देखते हैं बच्चे मोबाइल वगैरह लाइव वहाँ पर रखते हैं कैंटीन में, तो वह उधर लेने जा रहे हैं, बहुत धीरे धीरे आ रहे हैं। और देख लेते हैं एक दो बहनें वगैरह फटाफट फटाफट निकल के आ रही हैं, तो उनसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। और जो आज सही सटीक तरीके से जिसके ज़्यादा नंबर आएंगे उसका लाइव ले लेंगे, फिर तो कैटेगरी वगैरह ही पूछेंगे हम लोग। ठीक है भैया इधर ले लो आप। चलो धीरे धीरे बच्चे निकल के आ रहे हैं और सबसे फर्स्ट ही बंदा निकल के आ रहा है, देख लेते हैं आज का भोकाल सिंह मेरे को ये लग रहा है। भैया कितने नंबर आए, स्कोर कितना किया आपने, कितने नंबर किया? 60 नंबर। कौन सी कैटेगरी से आप? ओबीसी। कैसा पेपर था आज का? सर ठीक ही था। कोई जीके में क्वेश्चन याद है आपको? सर इतना याद तो नहीं है। चलो ठीक है, थैंक यू भैया। सबसे प्रथम लड़का मेरे को 60 वाला मिला। भैया पेपर था आपका, कितने नंबर आए? 50। पेपर था भैया, कितने स्कोर किया आपने? 70। भैया पेपर था कितना नंबर नंबर आया? 44। भैया आपका कितना स्कोर किया? भैया आपने कितना स्कोर किया? देख लेते हैं जो मैम वगैरह भी आ रही है तो पूछ लेते हैं। भैया कितना स्कोर, मैम कितना स्कोर किया आपने? कितना स्कोर किया आपने? हैं 40। कौन सी कैटेगरी? भैया आपने कितना स्कोर किया? 55। कौन सी कैटेगरी? SC। आपने कितना किया? 51। कौन सी कैटेगरी? मैम कितना स्कोर किया? OBC। कितना स्कोर किया आपने? 60। कौन सी कैटेगरी? कैटेगरी OBC जनरल ST SC। ठीक है, थैंक यू मैम। भैया कितना स्कोर किया आपने? 41। भैया आपने कितना स्कोर किया? 46। भैया आपने कितना स्कोर किया? 99। कितना स्कोर किया? 70। 70। एक मिनट इधर यार, अरे मैं वो उस गधे को कुछ बोल देता मैं। क्या कितने नंबर आया आपके? 70। 70। कौन सी कैटेगरी से? SC। आप यही खड़े हो थोड़ा सा, मैं पूछ कितना नंबर आया? कितना नंबर आया? 60। आपके? मैम कितना नंबर आया? कितना स्कोर किया आपने? 60। आपने कितना किया? 55। कौन सी कैटेगरी? OBC। आपने कितना किया? 65। आपने कितना किया? 78। वेरी गुड। चलो लाओ एडमिट कार्ड दो। कहाँ से आए हो? मंदसौर डिस्ट्रिक्ट करोलोसी गांव से है, कृष्णपाल सिंह नाम है इनका। वो 78 आज के हाईएस्ट नंबर इन्हीं के हैं। 78 लाइब्रेरी में आप ही हाईएस्ट हो। अब पूछ लेते हैं मैथ्स रीजनिंग को GK GS में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए? टफ था और तो साइंस तो बहुत सिंपल थी। अच्छा मास्क उतार लो, आराम से नहीं उतारोगे? चलो तो आपसे पूछ लेते हैं नंबर सिस्टम से कितने क्वेश्चन पूछे? नंबर सिस्टम से 4 से 5 क्वेश्चन। 4 से 5 क्वेश्चन नंबर सिस्टम पूछे गए। और सरलीकरण से? सरलीकरण से 3 क्वेश्चन थे। करीब 3 क्वेश्चन थे सरलीकरण से। नंबर सिस्टम से थे वो नंबर वो थे ना प्रायिकता। हाँ, वाले उससे थे 5 से 6 क्वेश्चन। अच्छा प्रायिकता। और सिंप्लीकेशन से थे 2 से 3 क्वेश्चन। फिर आप बताते जाओ। और परसेंटेज से 2 से 3 क्वेश्चन। हाँ। और रीजनिंग तो सिंपल ही थी, बहुत सिंपल थी रीजनिंग। अच्छा रीजनिंग में क्या किस किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए बता सकते? कोडिंग डिकोडिंग नहीं नजर आया आज, एक भी नहीं आया। एक मिनट आप इधर खड़े रहो थोड़ा सा, बच्चों से फटाफट निकल रहे रुको है। आप ये भी हाइस्ट है अभी। आप कितने नंबर आए? 75। एक मिनट रुको ना, अच्छे से लाइव लूँगा। एक और भैया वो हैं, आपके कितना है? है कितने नंबर? हमारा आया 46। आपका? 50। 50। ठीक है, थैंक यू। एक मिनट आपसे अच्छे से ले लूँ। मैम कितना स्कोर किया आपने? 44। कौन सी कैटेगरी? कौन सी कैटेगरी? जनरल OBC। SC जो। भैया कितना स्कोर किया? 42। कौन सी कैटेगरी? ST। ठीक है, देख लेते हैं एक दो भैया और। भैया आप 70 वाला भैया, एक मिनट ये भैया खड़े हैं 75। आपसे आराम से अच्छे से क्वेश्चन पूछूंगा है ना थोड़ा सा। हाँ एक खड़े हाँ ये खड़े रहो। भैया कितना स्कोर किया? नंबर कितना है? MP पुलिस की एग्ज़ाम देने आ रहे हैं, नंबर का स्कोर का मालूम नहीं है, कैटेगरी नहीं बता पा रहे हैं बच्चे, क्या बनेंगे भोकाल सिंह। भैया कितना स्कोर किया आपने? 46। 46।
भैया आपने कितना स्कोर किया? रनिंग फिटनेस स्कोर नहीं मच, कितना स्कोर किया? 68. आपने 56. कौन सी कैटेगरी? जनरल. मैं ओबीसी. ठीक है. बहुत लेट हो रहा है. नहीं नहीं यार, 5 मिनट गया. मैम कितना स्कोर किया आपने? हाँ नंबर कितने हैं? नंबर, अरे नंबर कितने हैं? रनिंग फिटनेस क्लब नहीं मच. आराम से आओ ना भैया, हाईस्ट खड़े हैं दो. अरे पास में ही है, क्वेश्चन पूछ लेता हूँ. हाँ 75. आ जाओ दो मिनट, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. और क्वेश्चन याद है जीके में आपको? जीके में पूछा था. आ जाओ. सरल क्वेश्चन आते हैं आपके. 70 है ना? 75 है. कैटेगरी बताओ. जनरल. आपकी? एससी है ना? हाँ बताओ. जिसमें पहले प्रधानमंत्री और पहले राष्ट्रपति का पूछा था, दोनों थे ऑप्शन में. कौन थे? जीरे में, जीके में. ये सरल क्वेश्चन था. गोल्डन पीकॉक अवार्ड किस फिल्म को मिला? गोल्डन पीकॉक. पीकॉक, गोल्डन पीकॉक. और मैथ्स में यूँ समझ लो 2 से 3 क्वेश्चन जिनके आंसर गलत होंगे, ऑप्शन में नहीं थे, मतलब बाहर होंगे मेरिट से. बाकी बिलोंगिंग बुक के नाम आए थे जैसे. बाकी सब बढ़िया था. और इजी था जैसे बता रहे थे. साइंस भी इजी थी थोड़ी, बायो के क्वेश्चन आए थे. और क्या, कितना स्कोर गया? कम ही है अभी तो. कितने आए? कम 40. और क्वेश्चन याद आ रहा साइंस में? हाँ ये साइंस के तो याद नहीं आ रहे क्वेश्चन मेरे को, लेकिन मतलब ठीक है. मतलब बायो के थे थोड़े, इंग्लिश लेवल में पूछ रखे थे. जैसे वो है ना, वो आता ना एस्केरिस कौन से वर्ग के अंदर आता है ना, इस टाइप के क्वेश्चन थे. जीके भी इजी था, ज़्यादा कोई टफ नहीं था. एनटी के एक दो क्वेश्चन थे, यही बुकों के नाम थे, अवार्ड आए थे एक दो. पहले लास्ट दिन वैसे वैसा बहुत इजी आया, मतलब अच्छे पेपर आए. अच्छा 82 तक नंबर. अच्छा 82 लाइव ने हाइस्ट, आज के लेब में हाइस्ट 82 है. ठीक है, थैंक यू भैया, फिजिकल कर सकते हो आप. आपके कितने आए? 58. फिफ्टी एट. कौन सी कैटेगरी? एस सी. ठीक है, और देख लेते हैं. कितना स्कोर किया? स्कोर कितना किया? पेपर नहीं था भैया. कितना स्कोर किया? एक मिनट आराम से. कितना स्कोर किया? कितना है? 71. इधर आया. कितना नंबर आया? 58 नंबर. आपके कितने आए? एक नंबर आया. 55. रनिंग फिटनेस क्लब नहीं मच. रनिंग फिटनेस क्लब नहीं. आपके कितने आए? 71. कहाँ से आए? दोपड़ा मंसौजली से. हाँ मंसौजली. बता सकते हो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेंगे? जीके में बहुत हार्ड था, लेकिन मैथ्स और टू पर रनिंग फिटनेस क्लब नहीं मच. मैथ्स रीजनिंग सरल थी, लेकिन जीके बहुत हार्ड था. अच्छा जीके बहुत हार्ड था. और वही पैटर्न आ रहा है जो पहले आ रहा था. आपके कितने स्कोर किया आपने? मेरा तो हो गया पेपर. हो गया? कितने नंबर आए? 50. अभी पेपर था. कौन सी कैटेगरी से आप? जनरल. किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा आपको याद है? ठीक है, थैंक यू मैम. तो देखा जाए तो पेपर भी अच्छे थे. और एक दो भैया और आ रहे हैं, थोड़ा सा इधर ले लो, देख लेते. भैया एक मिनट, पकड़ लेना यार, बस 2 मिनट के लिए. कितना स्कोर किया? 67. अच्छे नंबर है. और देख लेते हैं कितना रहता है. 67. कौन सी कैटेगरी से? ओबीसी से. कहाँ से आए? मंदसौर से. बता सकते हो किस प्रकार जीके में क्वेश्चन बने? जीके में तो आउट ऑफ जीके था, कुछ भी समझ में नहीं आया. वर्गीकरण से ज़्यादा था. अच्छा वर्गीकरण. हाँ वर्गीकरण से, इसमें बायोलॉजी में ज़्यादा क्वेश्चन. भैया आपके कितने आए दोनों के? 60. कौन सी कैटेगरी से? एससी. आपके कितने? 73. हाँ तो आप बता सकते हो जीके में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछे गए? जीके में कैटेगरी बता दो आप. एससी ना. किस प्रकार क्वेश्चन पूछे? एक्चुअली एमपी के क्वेश्चन कम ही थे, बाकी बाहर के ज़्यादा थे. अच्छा बाहर के थे. मैथ्स में किस प्रकार से क्वेश्चन? मैथ्स में इजी टू मॉडरेट ही तो ज़्यादा. अच्छा इजी टू मॉडरेट थे. हाँ मतलब इजी थे, बाकी कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो हो नहीं रहे थे. मतलब अच्छा कुछ क्वेश्चन हो नहीं. कैलकुलेशन. अच्छा कैलकुलेशन पॉइंट में लगभग हर सिटीज में मतलब एक वो आ रही सिंप्लीफिकेशन बहुत लंबा आ रहा है. अच्छा सिंप्लीफिकेशन लंबा. लास्ट दिन था, बच्चों का अच्छे नंबर आ रहे हैं. लेब में हाइस्ट कितना है? मेरे 60 थे, 65 से ऊपर. आपके कितने हैं हाइस्ट? मुझे पता नहीं, बाकी मेरा 70. आपके कितना है? 68. और क्वेश्चन जीके में कोई याद आता जरा? हाँ वो पहला प्रधानमंत्री और पहला राष्ट्रपति पूछा था दोनों कंबाइंड करके एक साथ. राजेंद्र प्रसाद बोला था कि एमपी ऑनलाइन को वो कब क्या बोलते इसको गोल्डन पिकॉक मिला था. अच्छा और साइंस कैसी पूछी? और क्वेश्चन याद आता बता दे. मतलब ज़्यादा ऐसी कुछ नहीं थी साइंस में. अच्छा ठीक है, देखा जाए तो आज का पेपर भी अच्छा था और बच्चों ने अच्छे अच्छे नंबर लेके आए हैं. और भैया के 73 है ना? भैया आपका कितना स्कोर किया? 51. भैया आपने कितना किया? 62. तो आज का पेपर भी अच्छा था और देखा जाए तो सबसे शानदार आज का पेपर था. शाम वाला सबसे इजी था ना? है ना इजी था पेपर. और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम.